ओके टू क्वेश्चन नंबर 92, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन ओपन ऑर्गन 5, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओपन ऑर्गन 5 के, ओके क्या होगा, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन 5। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप, ओके ये बोला हुआ उन्होंने। अच्छा बस इसको पुट, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कितनी होती है एक में पता है, और क्लोज के लिए कितनी होती है हमें पता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ये कितना होगा, ओपन बाई 2 एल ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसे लिख लू मैं। अच्छा इज इक्वल टू 3, इसके लिए क्या होगा 4 एल क्लोज ऑर्गन 5, ओके सही है रिलेशन। अब रिलेशन देखो ऊपर से ऊपर गायब हो गया, अब देखते हैं जो अपने को दे रखा डेटा उस पर ध्यान देते हैं, और जो डेटा कुछ दे रखा है इन्होंने, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इन्होंने दे रखा है, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए वैल्यू गिवन है, एक ऐसी वैल्यू है, ए वैल्यू क्या है गिवन है अपने को, ठीक है वैल्यू गिवन है। हम यहां से इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ जाएगा, चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, 1/2 एल ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 3/4 इनटू एल क्लोज ऑर्गन पाइप 1/20, ओके देखो नीचे से मैं इसको कट कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए होगा एल ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा और उसके साथ क्या आएगा देखो ध्यान से 40 यहां पे जाएगा तो 40/3 इट मींस 13.2 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट ऑप्शन, 13.2 सेंटीमीटर इज करेक्ट, ओके कोई दिक्कत, ओके अगला क्वेश्चन करेंगे।